समा के ऊपर बैठते हैं, और समा के ऊपर बैठ के शायद अफरीदी ने ये बात किया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इंडिया तो चाहता ही नहीं, बीसीसीआई चाहता ही नहीं, और साथ उन्होंने एक बंदे का नाम लेके ये बात किया है। यार ये बात जय शाह कभी भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकते, वो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को किसी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाए, इंटरनेशनली इनके जो है रिलेशन आईसीसी के साथ भी खराब किए जाए। हम 5 टीमों से ही एशिया कप खेल लेंगे या किसी और टीम को आपकी जगह हम एशिया कप में ऐड कर लेंगे, आपके 9 होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। श्रीलंका का बोर्ड इंडिया बीसीसीआई के साथ हुआ है ना, ये जो कहते हैं ना मामला खराब करता है। बिल्कुल, मैंने पिछले दिन देखा था पीसीबी ने भी उनको कहा अगर आपने अगर इस तरह ही करने हैं करते हैं तो फिर हम सीरीज भी नहीं करते। तनवीर अहमद है वो भाई, टेस्ट क्रिकेट 2-3 मैच खेला हुआ है, वो सठिया सकता है, वो इस तरह की बातें कर सकता है, लेकिन शायद अफरीदी की मैं बात नहीं करूंगा। अब तनवीर अहमद ने तो मैं कहता हूँ बड़े ही गलत कर दिया ना। ये फैसला हो चुका है कि भाई पीसीबी को बाहर ही करना है, तो पीसीबी कुछ भी कर ले जब एक साइड बीसीसीआई है तो पीसीबी जीत नहीं पाएगा। तो ये सोच रहे हैं कि बगैर पाकिस्तान एशिया कप हो सकता है, तो उनको मैं बता रहा हूँ देयर इज नो एशिया कप विदाउट पाकिस्तान। ब्रॉडकास्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं होगा जब पाकिस्तान ही नहीं होगा। बीसीसीआई झूठा है, पहले बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था, उसके बाद फिर बीसीसीआई को पता नहीं क्या हो गया कि बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया। नजम सेठी ने शायद अफरीदी को बोला कि आप होते कौन है, ये फैसला हमारी हुकूमत ने करना है और पीसीबी ने करना है कि हमने इंडिया में जाके खेलना है या फिर नहीं खेलना। शायद अफरीदी कौन होते हैं ये फैसला करने वाले। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी और तनवीर अहमद भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के एक लाइव टीवी शो पर बैठकर शाहिद अफरीदी ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक भड़काऊ बयान और आग उगला है, जिसमें उसका कहना है कि जब तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, जिसको लेकर खुद पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी जनता ही शाहिद अफरीदी को बेगैरत इंसान को जमकर ठुकाई कर रही है। वहीं कुछ और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जब तक बीसीसीआई का चेयरमैन जैसा रहेगा तब तक हमारे क्रिकेट के बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, पहले उसने हमें एशिया कप से बाहर किया है, अब उसका ये भी मकसद है कि वो हमें आईसीसी टूर्नामेंट से ही बाहर करा दे। वहीं हम बात करें पाकिस्तानी खिलाड़ी तनवीर अहमद की, तो यह बेगैरत एक ऐसा इंसान है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल में केवल 4 से 5 मैच ही खेले होंगे, लेकिन ये बात ऐसा करता है कि जैसे यह क्रिकेट का पूरी तरह से बादशाह बना हुआ है। मैं कहता हूँ ये क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं बल्कि पीसीबी का एक कर्ता धरता है, और यह तनवीर अहमद बीसीसीआई के सामने ऐसा दिखाता है कि हम क्रिकेट का असली बादशाह हम हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता कि क्रिकेट का एक ही बादशाह है, वो है बीसीसीआई। अगर बीसीसीआई चाहे तो इसके पिछवाड़े में डंडा भी कर सकती है। वहीं और क्या कहना है इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का, आइए देखते हैं। आपको पता है कि समा के ऊपर बैठते हैं, और समा के ऊपर बैठ के शायद अफरीदी ने ये बात किया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इंडिया तो चाहता ही नहीं, बीसीसीआई चाहता ही नहीं, और साथ उन्होंने एक बंदे का नाम लेके ये बात किया। यार ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है, बुरा लगता है किसी को भी सुन के। जय शाह ने बोला है कि जय शाह और मोदी जब तक रहेंगे, स्पेशली नरेंद्र मोदी का नाम लिया, तो मोदी जब तक रहेगा तब तक वो कभी भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा या इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगी, ये लोग हमारे दुश्मन है और ये नहीं चाहते कि हम लोग आपस में खेलें। और जय शाह तो शायद अफरीदी ने बोला कि वो आईसीसी को भी पटियां पढ़ाता है, वो आपको पता है कि एसीसीबी, आपको पता है कि बीसीसीआई है, और शायद अफरीदी ने बोला है कि ये लोग कभी भी पाकिस्तान का भला नहीं चाहेंगे, ये लोग कभी भी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना जो है वो पसंद नहीं करेंगे। लोग सोच रहे हैं कि नो पाकिस्तान इन एशिया कप, तो ये इम्पॉसिबल है, फिर वो एशिया कप होगा। आप एशिया की दूसरी बड़ी टीम को इग्नोर करके आप एशिया कप कराने लगे हैं, तो फिर तो आप इसको एशिया कप का नाम ना दें, आप इसको देते 5 टीम टूर्नामेंट वगैरह, इस तरह कुछ भी। इसको भी मैं समझता हूँ, इसे कहते हैं ना पावर स्टंट है, जो आपने अपने ओपोजिशन को ना थोड़ा प्रेशर में डालने के लिए। लेकिन आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब बड़े पक्के हुए हैं अपनी बात के ऊपर, उन्होंने पहले सोचा हुआ है हमने विड्रॉ ले लेना, अगर हमारे जो कहते हैं ना पाकिस्तान में एशिया कप नहीं करवा तो करवा लो। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तानी मीडिया आज खबर भी चला रहा था कि आईसीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया थोड़ी बहुत लचक दिखाए तो पाकिस्तान भी खेलने जाएगा। कि आप बिल्कुल बायकॉट करें, आप बिल्कुल आप कहें कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन पहले आप उस जगह पर पहुंचे कि आपने हाँ क्या जिस जगह पर पहुंची, तब हम बायकॉट कर देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस जगह पर है, हमारे लिए क्या बेस्ट क्या है? हमारे लिए बेस्ट यह है कि हम वर्ल्ड कप अपने नाम करें, हमारे लिए बेस्ट यह है कि हम एशिया कप अपने नाम करें, दुनिया को बता दें कि पाकिस्तान टीम क्या कर सकती है, और पाकिस्तान टीम को अलग नहीं किया जा सकता। बीसीसीआई और एसीसी दोनों ने यह फैसला कर लिया, और पीसीबी को भी यह बता दिया गया है कि भाई साहब आपने एशिया कप खेलना है, श्रीलंका में खेलें, अगर नहीं खेलना तो आप चुप करके बाहर हो जाएं, आपके बगैर हम एशिया कप करवा लेंगे।
ये बात सुन के, ये खबर सुन के पूरे पाकिस्तान में इस टाइम दुख हो रहा है लोगों को, और यकीन माने मुझे भी दुख हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि यार अब कुछ भी करके पीसीबी एशिया कप खेल ही नहीं सकता। जब ये फैसला हो चुका है कि भाई पीसीबी को बाहर ही करना है, तो पीसीबी कुछ भी कर ले, जब एक साइड बीसीसीआई है तो पीसीबी जीत नहीं पाएगा। कायदा प्रीति कभी कभी इस तरह की बातें कर देते हैं कि जो अगले बंदे को हर्ट करें या अगले बंदे का जिससे दिल दुखे। देखें शारजा तनवीर अहमद है, वो भाई टेस्ट क्रिकेट 5-2-3 मैच खेला हुआ है, वो सठिया सकता है, वो इस तरह की बातें कर सकता है, लेकिन शायद अफरीदी की मैं बात नहीं करूंगा। अब तनवीर अहमद ने तो मैं कहता हूँ बड़े गलत कर दिया ना, उस बंदे ने बोला है कि बीसीसीआई झूठा है, उसने बोला है बीसीसीआई झूठा है, पहले बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था, उसके बाद फिर बीसीसीआई को पता नहीं क्या हो गया कि बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया। तनवीर अहमद ने बोला है कि पहले बीसीसीआई झूठे ने जो है वो अपना एक्सेप्ट किया हाइब्रिड मॉडल के, पाकिस्तान में 4 मैचेस करवा लो, होस्टिंग राइट्स भी पाकिस्तान को मिलेंगे, उसके बाद फिर जो है एशिया कप यूएई में या श्रीलंका में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर बीसीसीआई को पता नहीं क्या हुआ, थूक के चाटने वाली बात की बीसीसीआई ने, ये तनवीर अहमद के लफ्ज हैं। ये साला तनवीर अहमद अगर हमें मिल जाए तो इसे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, क्योंकि अब भारत के खिलाफ आग उगलता रहता है और ऐसा ही भड़काऊ बयान देता रहता है। वहीं इसको ये नहीं पता कि भारतीय क्रिकेट से पंगा लेना मतलब दुनिया के क्रिकेट जगत में सबसे बड़े बोर्ड से पंगा लेना के बराबर होती है। जिसने भी बीसीसीआई के खिलाफ पंगा लिया वो पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो गया, क्योंकि दुनिया का एक ही सबसे बड़ा बोर्ड है, वो है बीसीसीआई, या पैसों के मामले से या किसी भी मामले से। वहीं इसका दूसरा भड़काऊ बयान देने वाला भाई शाहिद अफरीदी भी बीसीसीआई के खिलाफ आग उगलता रहता है। वहीं लोगों की मिर्ची इसलिए लगी हुई है कि भारत पाकिस्तान में एशिया कप खेलने क्यों नहीं जा रहा है। वहीं इनके देश की हालत इतना खराब हुआ है कि इनको एक रोटी तक नसीब नहीं हो रही है, और ये बातें करते हैं कि हम एशिया कप कराएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, ये भिखारी पाकिस्तान वाले कुछ भी नहीं करा पाएंगे। और इनका ये भी कहना है कि अगर भारत एशिया कप खेलने हमारे वहाँ नहीं आएगा तो हम आईसीसी टूर्नामेंट से ही बाइकआउट कर देंगे। इनको ये नहीं पता कि आईसीसी से टूर्नामेंट से बाइकआउट करना बल्कि मौत की दावत देने के बराबर है, क्योंकि इनको एक भी रेवेन्यू शेयर नहीं मिलेगा आईसीसी के तरफ से, और आईसीसी अपने पैनल से ही बाइकआउट कर देगा, बल्कि किसी भी टूर्नामेंट में इन्हें मौका तक नहीं देगा। और यह एशिया कप का बाइकआउट करेंगे तो इनका ही नुकसान होगा, क्योंकि इसमें बीसीसीआई का एक भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बीसीसीआई फाइनेंशियली और किसी भी तरह से बहुत ही स्ट्रांग बोर्ड बनी हुई है। वैसे आपको कैसा लगा यह वीडियो देखकर हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।